हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइबर उस्ताद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी जो डिलीट करने वाली प्रोसेस है फेसबुक अकाउंट को, ये आपको एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी सेम ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोनों में सेम ही है, तो बेसिकली आपके पास दोनों में से कोई भी है तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं अपना फेसबुक अकाउंट। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे 3 लाइंस दिख रही हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। आईफोन में शायद ये आपको बॉटम में देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों, जैसे आप इसके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, एंड में इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंडर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग्स का, इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। इस तरह की इंटरफेस आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यूअर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, इस ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन के ऊपर दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन चाहिए, ये सेंटर वाला ऑप्शन है जो कि है डी एक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो बेसिकली इस ऑप्शन के ऊपर आपने सेंटर वाले के ऊपर क्लिक कर लेना है, डी एक्टिवेशन वाले के ऊपर। तो बेसिकली इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक है डीएक्टिवेट अकाउंट, एक है डिलीट अकाउंट। हमने बेसिकली यहाँ पे डिलीट करना है अकाउंट को, तो डिलीट अकाउंट वाले को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू वाला जो नीचे ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, इस तरह की इंटरफेस आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन दिख जाता है डिलीट अकाउंट का। तो आपको अकाउंट डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, सिंपली आपने डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा अपने अकाउंट का पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड आपने एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो कंटिन्यू के ऊपर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप है। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, आने वाले 30 दिनों के अंदर आपको अपना अकाउंट जो है उसमें लॉगिन नहीं करना है। जैसे आप डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा और 30 दिन के बाद, ठीक 30 दिन के बाद अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इन 30 दिन के अंदर आपने बिल्कुल अपने अकाउंट में वापस लॉगिन नहीं करना। अगर आपने लॉगिन कर दिया इन 30 दिन के अंदर, तो आपका अकाउंट वापस रीएक्टिवेट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा और 30 दिन के बाद सिंपली आपका अकाउंट हो जाएगा डिलीट पूरी तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है यूर अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर परमानेंट डिलीशन। इफ़ यू लॉग इन टू फेसबुक विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, यू विल हैव द ऑप्शन टू कैंसिल द डिलीशन प्रोसेस। मतलब 30 दिन के अंदर हमने नहीं लॉग इन करना है, 30 दिन के बाद सिंपल 30 दिन के बाद ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नीचे कमेंट